मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, फ्री बीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं। अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या है, अनाज, एक वैक्सीन? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है, और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी। उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है, करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें, उससे तो ये दृष्टिकोण बदलने की भी सर आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुफ्त शब्द, फ्री, दिस शुड बी डन अवे विथ, इट शुड बी जेटिसन्ड, इसको उड़ा करके फेंक दिया जाए। ये शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को, फ्री बीज, मुफ्तखोरी, मुफ्त का ये राशन, मुफ्त की दवाई। सर मैंने कहा था प्लीज, ये आदमी को डिमीन कर रहा है आपके नागरिकों को। आप वेलफेयर स्टेट हैं अब तक थैंकफुली, और चूंकि वेलफेयर स्टेट हैं तो इसमें ये मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। अब तक है मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से ना आप बेटास एक मिनट, मुफ्त शब्द के इस्तेमाल से आप एक बड़ी आबादी को डिनाइग्रेट करते हैं। अपमान होता है उनका, और उनके नागरिकों के अपमान का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। अरे आप देते क्या है, अनाज, एक वैक्सीन? ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खैरात में तब्दील मत करिए। उत्तरदायित्व और खैरात में बहुत फर्क है, और मैं देख रहा हूं कि अधिकांश राज्य सरकारें भी इसी मॉडल को अपनाने लगी। उनको लगता है ये सबसे बढ़िया मॉडल है, करोड़ों के इश्तेहार छपवाओ लंबे लंबे, और ये बताओ कि आपको हम मुफ्त में ये दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं, मुफ्त में वो दे रहे हैं। नहीं साहब, आप मुफ्त में कुछ नहीं दे रहे। एक एक चीज के लिए उस व्यक्ति ने, नागरिक समूह ने पैसे दिए हैं। आज जो हम अट्टालिका खड़ी कर रहे हैं ना सामने सेंट्रल विस्टा, वो भी उसी गरीब के पैसे, गरीब का भी पैसा उसमें, उससे तो ये दृष्टिकोण बदलने की भी सर आवश्यकता है। मैं सदन में पहले भी कह चुका हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ये मुफ्त शब्द, फ्री, दिस शुड बी डन अवे विथ, इट शुड बी जेटिसन्ड, इसको उड़ा करके फेंक दिया जाए। यह शब्दावली हमारे लोकतंत्र को, उसकी गरिमा को, उसके चरित्र को शर्मसार करती है।